हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 5 के बी का पार्ट 4। दोस्तों, यदि आप पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है। इसमें बोला है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बोला है दोस्तों, 31वां पद ज्ञात करने के लिए बोला है, जिसका 11वां पद कितना है, 38 है और 16वां पद 73 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, प्रथम पद और सार्वांतर। यदि आपको प्रथम पद और सार्वांतर पता है तो आप कोई भी पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो जो नहीं पता है उसको आपको क्या करना है, मान लेना है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को अब क्या करते हैं, हल करते हैं। और हल करने से हम पहले बता दें दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यही करिएगा कि सर्वांतर निकाल लीजिएगा और प्रथम पद निकाल लीजिएगा। जब प्रथम पद और सर्वांतर निकाल लेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी से हल हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें ना सर्वांतर दिया है ना ही प्रथम पद दिया है, तो आपको क्या करना है, उसको मान लेना है। तो चलिए हम मान लेते हैं, यहाँ पे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ठीक है, सर्वांतर श्रेणी का प्रथम पद। तो प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। और इसका क्या मान लेते हैं, सार्व अंतर। तो इसका सार्व अंतर ध्यान दीजिए दोस्तों, सार्व अंतर क्या होता है, डी। सार्व अंतर को हमने क्या मान लिया, डी। तो प्रथम पद हमारा क्या हो गया, ए, सार्व अंतर डी। फिर बोला है श्रेणी का 11वां पद कितना है, 38 है। तो यहां लिख लीजिए श्रेणी का 11वां पद, श्रेणी का 11वां पद। तो श्रेणी का जो 11वां पद दिया है वो कितना दिया है, 38 दिया है, ठीक है। श्रेणी का 11वां पद कितना है, 38 दिया है। आपको वहां पद निकालने के लिए हमने एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था दोस्तों, जब भी आपको बोला जाए वहां पद ज्ञात कीजिए तो वहां पद निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका फार्मूला होता है एन वां पद निकालने के लिए। लेकिन आपको कौन सा पद निकालना है, 11वां पद। तो ए एन का मान जो दिया है यहां पर 38 हो गया है, 11वां पद है। ए 11 का मान क्या है आपका, 38 है। तो बचा क्या, ए प्लस, यहां लिखिए फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कौन सा पद निकालना है, 11वां पद। तो 11वां ये कितना हो जाएगा, 38 दिया है, ए एन का मान कितना है, 38। तो चलिए दोस्तों, इसी में हम क्या करते हैं, जो भी मान दिया गया उसमें रख देते हैं। ए तो पता नहीं है तो आपको ए को ऐसे रहने देना है, प्लस एन, एन कौन सा पद निकालना है, 11वां, ये एन का मान हो जाएगा 11। माइनस एक है तो यहाँ पर माइनस एक लिख देंगे, और बगल में ये क्या है, डी। तो डी भी आपको पता नहीं है क्योंकि हमने सार्वांतर क्या माना है, डी। तो इसको भी क्या करना है, आपको डी को ऐसे लिख देना है, बराबर में कितना है, 38, तो 38 लिख दीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ 11 में से एक घट जाएगा, तो एक प्लस 11 में से एक घटे कितना आ जाएगा, 10, और बगल में क्या है, डी बराबर 38, ठीक है। अब इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब आगे क्या बोला है, फिर बोला है श्रेणी का 16वां पद कितना है, 73 है। तो आप यहां पर लिखिए श्रेणी का 16वां पद, श्रेणी का 16वां पद। तो श्रेणी का 16वां पद क्या है दोस्तों, 73, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 73, ठीक। अब क्या करेंगे, उसी फार्मूले में जो ये फार्मूला है सेम सेम, वही यहां भी लगेगा,
बट चेंज क्या होगा, यहाँ ग्यारहवां पद बोला था तो एन की जगह पर हमने 11 कर दिया था, बट यहाँ 16वां बोला है तो हम एन की जगह पर क्या कर देंगे, 16 कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अब क्या लिखेंगे। ए प्लस 11 जहां है वहां क्या लिखा जाएगा, एन की जगह पे 16, तो 16 माइनस 1। ठीक है, और बगल में क्या है डी, तो डी यहां पे वैसे रहे क्योंकि डी का मान हमें पता नहीं है, और 16वां पद कितना है 73, तो हम बराबर में कितना लिख देंगे 73। ठीक है, अब यहां देखिए 16 में से एक घट जाएगा तो कितना आएगा, ए प्लस 16 में से एक घटेगा तो कितना आ जाएगा 15, और बगल में डी है तो यहां पर आप लिख दीजिए डी बराबर में कितना 73, तो यहां लिख दीजिए 73। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, समीकरण सेकेंड। हमने फर्स्ट और सेकेंड समीकरण इसलिए निकाला क्योंकि फर्स्ट और सभी फर्स्ट समीकरण से सेकेंड समीकरण को यदि हम घटा देंगे तो वहां से ए और डी का मान हमें मिल जाएगा, किसी एक का मान अगर निकल जाएगा या तो ए या डी का, तो हम आसानी से क्या करते हैं दोनों मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करिए, यहाँ जो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड है, समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को क्या करिए दोस्तों, घटा दीजिए। तो यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, तो हम क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से इसको हल कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए समीकरण फर्स्ट है क्या, समीकरण फर्स्ट है आपका a प्लस 10d इक्वल टू 38। ठीक है, और दूसरा क्या है a प्लस 15d इक्वल टू 73। अब क्या करना है, इसको घटा देना है, तो चलिए दोस्तों इसको हम क्या करते हैं घटा देते हैं। तो यहां लिखिए घटाने पर, ठीक, घटाने पर, तो जब आप इसको घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, यहां क्या हो जाएगा माइनस, यहां प्लस है, यहां भी माइनस, यहां प्लस है, यहां भी क्या हो जाएगा माइनस। घटाने पर क्या होता है दोस्तों, चिन्ह बदल जाता है। तो चलिए यहां से देखिए, अब ए ए ये ए प्लस में, ये ए माइनस में, तो ए से ए क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए माइनस 15d है, यहां कितना है 10d है, तो 15 में से 10 क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो बचेगा कितना माइनस 5d यानी 5d। ठीक है, अब यहां माइनस 73, यहां कितना है 38 है, तो 73 में से आप 38 को क्या करिए घटा दीजिए, लेकिन बड़े अंक के साथ माइनस दिख रहा है तो माइनस को आप लिख दीजिए। 73 में से आप 38 घटाइए, 13 में से 8 गया 5, अब यहां पर कितना 6 में से 3 का कितना आएगा 3 ही आएगा, तो यहां माइनस 5d बराबर माइनस कितना आ गया 35। ठीक, यहां पे क्या निकल गया आपका, अभी d का मान निकालना है, तो चलिए यहां हम बगल में क्या करते हैं d का मान निकाल लेते हैं। अब d जब निकालेंगे तो माइनस कहां जाएगा, माइनस 5 का पंचांतर करेंगे, तो d बराबर जब आप निकालेंगे माइनस 5 का पंचांतर होगा तो गुणे में कहां आएगा बटे में आएगा, तो माइनस 35 बटे माइनस कितना 5, यहां देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, और 5 सते 35, तो डी का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, यहां जो डी का मान निकला है वो निकल गया आपका 7। ठीक, अब आपको डी का मान जब मिल जाए तो समीकरण फर्स्ट या सेकंड में डी का मान रखकर वहां से आपको ए का मान निकाल लेना है। तो चलिए हम डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखकर ए का मान निकाल लेते हैं। जब ए और डी हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, शुरू में आपसे बोला था कि श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, हम उससे 31वां पद ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब लिखिए समीकरण d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो चलिए दोस्तों अब d का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, तो d कितना है 7, समीकरण फर्स्ट क्या है a प्लस कितना है 10d, d का मान कितना रखेंगे 7 बराबर कितना 38, तो यहाँ हमने कितना रख दिया 38। अब a ऐसे रहेगा 10 का 7 में गुणा करेंगे 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70, 70 को इस तरह पंचांतर कर दीजिए आप, तो इधर कितना है 38 है, और इधर 10 सत्ते 70, जब इधर 70 आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस 70। ठीक है, अब a बराबर आप जब निकालेंगे तो 38 में से आप 70 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, माइनस लग जाएगा, और 70 में से जब आप 38 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 32 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया, ए का मान निकल गया। तो चलिए अब आपको ए भी पता हो गया और क्या पता हो गया, डी पता हो गया। जब आपको ए और डी दोनों मिल जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपसे कौन सा पद पूछा था, 31वां पद पूछा था, तो आप निकाल लीजिए दोस्तों 31वां पद। तो लिखिए दोस्तों श्रेणी का 31वां पद।
श्रेणी का 31वां पद। तो 31वां पद आप जब निकालेंगे तो बराबर में फार्मूला क्या लिखेंगे दोस्तों? आपका फार्मूला हो जाएगा ए प्लस 31वां निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन माइनस वन कर दीजिए, फार्मूला हमारा होगा एन माइनस वन इंटू डी होगा। ठीक है, इसी फार्मूले में आपको क्या करना है, मान को रख कर निकाल लेना है। ठीक है, तो ये 31वां पद तो निकालना ही है। ए का मान कितना निकला है, -32, तो यहां रखिए -32 प्लस एन। एन कौन सा निकाल रहे हो, मान 31वां पद निकाल रहे हो ना, तो एन का मान हो जाएगा 31 माइनस वन, और डी का मान कितना निकला था यहाँ पे 7, तो यहाँ पर रख देंगे हम 7। ठीक है, चलिए आगे हल कर लेते हैं। अब क्या करना है, यहाँ -32 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस अब 31 में से आप यहाँ से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो 30 गुणते कितना, बगल में 7 है तो गुणा में 7 हो जाएगा। अब ये -32 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस 7 * 21 यानी 21 आएगा, बगल में 0 है तो आप 0 लिख दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 210 में से 32 आप घटा दीजिए। ठीक, तो यहाँ 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 घटाएंगे, यहाँ फिर भी दोस्तों यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 7। ठीक, अब यहाँ 1 तो बचा ही रहेगा और बड़ा प्लस में है तो इसलिए यहाँ पर जो मान आएगा वो प्लस में ही रहेगा। ठीक है, तो जो 31वां पद आपका निकलेगा कितना निकलेगा, 178, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या बताना है दोस्तों, सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है दोस्तों, डी होता है। ठीक है, तो हम आपको बता दें, जब तक ए नहीं पता रहेगा तब तक आप डी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ए निकाल लीजिए यानी श्रेणी का प्रथम पद। ठीक है, जब आप ए निकाल लेंगे तो सार्व अंतर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं, हल लिखते हैं, और हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो नहीं पता है उसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो मानना क्या, इसमें श्रेणी का प्रथम पद माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, और सार्व अंतर मानना है तो लिख दीजिए यहां पे सार्व अंतर कितना है, तो सार्वअंतर क्या होता है दोस्तों, डी। तो हमने क्या मान लिया, प्रथम पद ए मान लिया और सार्वअंतर डी मान लिया। अब क्या करना है, श्रेणी का फिर बोला है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, श्रेणी का 7वां पद निकाल लीजिए। ठीक, तो यहां लिखिए श्रेणी का 7वां पद, श्रेणी का 17वां पद बराबर क्या होगा, फार्मूला आपका ए प्लस कौन सा पद निकाल रहे हो, 17वां, तो यहां से क्या कर दोगे 17 - 1 और बगल में डी। ठीक, अब इसको आगे हल करिए दोस्तों, जब इसको आगे हल करेंगे तो ए तो आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक, और प्लस 17 में से 1 यहां घटेगा तो कितना आ जाएगा 16 डी, ये आपका निकल गया कौन सा, श्रेणी का 17वां पद। अब ध्यान दीजिए, श्रेणी का 10वां पद क्या है, तो श्रेणी का 10वां पद भी निकाल लीजिए, क्योंकि बोला श्रेणी का जो 17वां पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो यहां लिखिए श्रेणी का 10वां पद, तो क्या होगा a प्लस, यहां 10वां निकालना है तो यहां क्या हो जाएगा 10 - 1 बगल में क्या d। चलिए इसको भी हल कर लीजिए, तो a तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 10 में से 1 घटे कितना आ जाएगा 9 डी। अब आप प्रश्न के अनुसार इसको हल करिए, प्रश्न बोला क्या है, प्रश्न बोला है कि जो 17वां पद है, 17वां पद बोले तो
ए प्लस 16 डी, वो दसवें पद से, दसवां पद क्या है, ए प्लस 9 डी से ये 7 कौन अधिक है, ये 17वां पद। 17वां पद क्या निकला है, ए प्लस 16 डी निकला है, और 10वां पद क्या निकला है, ए प्लस 9 डी। तो लेकिन ये बोला है कि 17वां पद 7 अधिक है, तो 7 कौन अधिक है, ये अधिक है। यदि हम इसमें 7 जोड़ दें तो ये आपस में समीकरण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसमें हम क्या करेंगे, दसवें पद में हम 7 जोड़ देंगे, जो अधिक है उसमें नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अधिक है। तो अधिक ये जब पहले से ही है, तो यदि हम इसको 7, अगर उससे ये कम है तो हम इसको 7 दे देंगे, तो इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, दसवें पद में 7 जोड़ दिया, ठीक है। अब ये सही बराबर हो गया आपस में एक। अब यहां से क्या कर रहा है, आपको सार्वांतर ज्ञात करने के लिए बोला है कि इसका सार्वांतर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इधर भी ए है, इधर भी ए है, दोनों बराबर की इस तरफ भी ए बराबर को उस तरफ भी ए, दोनों प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमें यहां से डी निकालना है, इधर कितना है, 16 डी लिख दीजिए ना, 9 डी इधर है, तो 9 इधर आएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस में, तो 9 डी बराबर कितना बचेगा, 7। अब 16 में से आप 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 ही बचेगा, बगल में डी बराबर में कितना, 7। हमें यहां से क्या करना है, डी निकालना है। तो चलिए दोस्तों डी निकाल लेते हैं। जब आप डी निकालोगे तो 7 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो 7 बटे कितना हो जाएगा, 7। 7 से 7 क्या हो जाएगा, 7 × 7, तो डी बराबर जो यहाँ निकलेगा कितना निकलेगा दोस्तों, 1 निकलेगा, और जो 1 निकलेगा यही आपका क्या हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा, ठीक है, सर्वांतर यही हो जाएगा। तो इसी को आपको क्या करना है, आंसर कर देना है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सर्वांतर हो गया, समझा दोस्तों। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो प्लीज वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, यदि एक समांतर श्रेणी का एमवा पद 1/n और एनवा पद 1/m हो, तो सिद्ध करो कि एम एनवा पद 1 होगा तथा प्रथम पद 1/mn होगा। आपको इसमें प्रूव करना है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रथम पद और सार्वांतर मान लेना होगा, क्योंकि इसमें ना तो प्रथम पद दिया गया ना ही सार्वांतर दिया गया, ठीक है। तो उसको आप क्या करिए, मान लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम हल करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सर्वांतर आपका क्या होगा, डी होगा, और प्रथम पद क्या होगा, ए। तो यहां लिखिए, माना प्रथम पद, माना प्रथम पद बराबर क्या, ए, और सार्व अंतर, ठीक है, यहां लिखिए सार्व अंतर। तो सार्व अंतर जो हम मानेंगे क्या मानेंगे, डी, ठीक है। सार्व अंतर आपका डी हो जाएगा, प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसमें बोला एमवा पद क्या है, 1/n है, तो यहां लिख दीजिए आप एमवा पद, लिखिए यहां पे एमवा पद। तो जो एमवा पद है वो क्या है आपका, 1/n, ठीक है। एमवा पद जब आपका 1/n है, तो हमने आपको फार्मूला बताया दोस्तों, जब भी किसी क्वेश्चन आपको वा पद बोला जाए, जैसे एनवा पद, एनवा पद के लिए फार्मूला होता है आपका ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। बट यहां से एमवा पद दिया है, तो जहां एम एन रहेगा वहां पर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस, फार्मूला क्या होता है, एन माइनस वन। तो लेकिन यहां पे m वहां पद बोला है, तो वहां क्या हो जाएगा, m माइनस वन, और बगल में क्या, d बराबर क्या है, 1/n। तो यहां पर हम क्या रख देंगे, 1/n रख देंगे, ठीक है। इसको आप समीकरण क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब फिर बोला है एनवा पद 1/n क्या है, m है, तो यहां लिखिए एनवा पद। जब आप एनवा पद निकालेंगे, एनवा पद क्या हो जाएगा, 1/m, ठीक है, ये 1/m हो जाएगा। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, जहां n रहता वहां n ही रहेगा। एनवा पद के लिए फार्मूला क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना है, 1/m। ये आपका क्या निकल जाएगा, समीकरण सेकंड। अब आपको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से किसका मान निकालना है,
ए और डी यानी प्रथम पद और सार्वांतर निकालना है। ठीक है, जब प्रथम पद और सार्वांतर निकल जाएगा तो हम वहां से क्या निकाल लेंगे, एम एनवा पद निकाल लेंगे। ठीक है, और एम एनवा पद इसमें बोला है कि एक होगा, यदि एम एनवा पद एक आ जाएगा तो समझ लीजिए आपका क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है और सेकेंड क्या है। समीकरण जो फर्स्ट है वो है आपका ए प्लस एम माइनस वन बगल में डी बराबर वन अपान एन। ठीक है, और समीकरण सेकेंड क्या है, ए प्लस एन माइनस वन बगल में डी बराबर वन अपान एम। समझ में आया? अब आपको क्या करना है, इसको घटा देना है। ठीक है, घटाएंगे तभी ए से ए कटेगा जहां डी का मान निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहां पर हम लिख देते हैं क्या, घटाने पर, घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो आपका यहां पे क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, यहां हो जाएगा माइनस, यहां पर भी हो जाएगा माइनस, यहां भी क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहां पे क्या होगा दोस्तों, ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस में कट जाएगा। अब बचेगा क्या यहाँ पे, m माइनस वन, तो लिख दीजिए m माइनस वन और बगल में क्या d, और फिर यहाँ बचेगा माइनस, ये माइनस है, फिर बचेगा n माइनस वन बगल में क्या d, इतना समझ में आया। और फिर इधर क्या बच रहा है दोस्तों, वन अपान एन, फिर माइनस वन अपान m, इतना समझ में आया। अब आपको क्या करना है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब आपको करना है यहां देखिए डी डी मिल रहा है, तो डी आपको पूरे से क्या करना है, कॉमन कर लेना है। ठीक है, जब आप पूरे से इसको कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा एम माइनस वन बचेगा। ठीक है, अब माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा तो माइनस एन हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और वन है तो वन लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, एम का हम इधर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा एम, और एन का इधर गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा एन अपान, ध्यान दीजिएगा। अब n का m में गुणा होगा तो m n हो जाएगा। ठीक, इतना समझा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें देखा जाए तो यहाँ वन प्लस में वन माइनस में, तो यहाँ प्लस माइनस वन से कट जाएंगे आपस में, तो यहाँ बगल में बचेगा क्या d और m माइनस n बराबर, ऊपर बचेगा m माइनस n अपान क्या m n। आपको निकालना क्या है, यहाँ से d निकालना है, तो चलिए d निकालेंगे। जब d निकालेंगे तो m माइनस एन कहाँ जाएगा, बटे में, तो m माइनस एन लिखिए, नीचे क्या लिखेंगे, ये बटे में जाएगा, पंचांतर करेंगे तो m माइनस एन इंटू क्या होगा m n। ठीक, तो m माइनस एन से m माइनस एन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा एक, कुछ नहीं बचेगा तो एक बचेगा, और नीचे क्या हो जाएगा m n। तो यहाँ से आपका क्या निकला दोस्तों, d का मान निकला है। ठीक है, ये आपका सार्व अंतर निकल गया। जब सार्व अंतर निकल गया तो आपको क्या करना होगा, अब प्रथम पद निकालना होगा। तो प्रथम पद निकले कैसे, इस डी का मान हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, प्रथम पद। तो यहां लिखिए डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो चलिए दोस्तों अब हम d का मान क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और d का मान क्या रखेंगे यहाँ पे, वन अपान, यहाँ गुणा कर दीजिए और d का मान रख दीजिए वन अपान एम एन, और क्या करना होगा आपको, बराबर में क्या है वन अपान एन, तो वन अपान आप क्या करिए n रख दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब आप यहाँ पे क्या करिए, ये गुणा है तो इसका अंदर गुणा कर दीजिए, तो ए ऐसे रहेगा प्लस, अब एम एक का एम और नीचे क्या हो जाएगा एम अपान एन, फिर माइनस एक एक का एक और नीचे क्या है एम अपान एन बराबर वन अपान एन। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, ऊपर एम है नीचे भी एम है, एम से एम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा वन प्लस, ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक बटा एन बचा, और माइनस वन अपान एम एन बराबर वन अपान एन। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बराबर की इस तरफ वन अपान एन है प्लस में, बराबर को उस तरफ भी वन अपान एन है प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ए बराबर जब आप निकालेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस में, उधर जाएगा किस में हो जाएगा प्लस में,
वन अपान क्या आएगा, एम एन आ गया। ठीक है, तो ए का मान जो आ गया वन अपान एम एन। तो इसको यही प्रूव करने के लिए बोला था दोस्तों कि ए का मान कितना आ जाए, वन प्रथम पद जो आए वन अपान एम एन आ जाए। तो ये तो पहला आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यहां तो आपका एक प्रूव्ड हो गया प्रथम पद। अब आपको क्या प्रूव करना है, एम एनवा पद कितना हो, एक हो। तो चलिए आगे भी हल कर लेते हैं। अब एम एनवा पद, एम एनवा पद निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहां लिखिए एम एनवा पद। तो एम एनवा पद आप जब निकालेंगे तो एम एनवा पद के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, यही ना लगाएंगे दोस्तों, ए प्लस, यहां देखिए ए प्लस एम एनवा पद। तो ए यहां क्या होता है, एन होता है, लेकिन एन की जगह कौन सा पद निकाल रहा है, एम एनवा। अब माइनस वन और क्या होगा, डी होगा। ठीक है, अब यहां पे ए बी जो यहां पे डी, ए और डी का मान निकला है उसी को रख देना है, तो एम एनवा पद निकल जाएगा। ए का मान निकला है क्या, वन अपान एम एन फिर प्लस एम एन, तो ऐसे ही रहेगा, आप ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस वन भी ऐसे ही रहेगा। डी, डी का मान कितना निकला है दोस्तों, वन अपान एम एन, तो यहां पर रख दीजिए वन अपान एम एन, इतना कंफर्म हुआ। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब क्या करना है, वन अपान एम एन को आप ऐसे रहने दीजिए, प्लस इसका गुणा है, गुणा का अंदर यहाँ जो यहाँ गुणा चिन्ह दिख रहा है, तो क्या करेंगे एक बटे एम एन का हम अंदर गुणा करेंगे ब्रैकेट को हटाने के लिए। जब एक का गुणा एम एन में करेंगे तो कितना आएगा, एम एन ही आएगा, और नीचे भी क्या है एम एन, माइनस इसका एक एक का एक ही आएगा और क्या हो जाएगा एम एन। तो एक बटे एम एन, एक बटे एम एन, ये प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और एम एन ऊपर भी है नीचे भी है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा कितना दोस्तों, पूरा कट के एक बचेगा। ठीक है, ये तो कटेगा लेकिन ये कटेगा ऊपर नीचे, तो एक बचेगा। ठीक है, तो आपको यही एक लाना था क्या, एम एनवा पद सिद्ध करना था कि एक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसमें दो ही चीजें आपको प्रूव्ड करनी थी, पहला जो करनी थी प्रूव्ड वो प्रथम पद वन अपान एम एन, और दूसरा जो प्रूव्ड करना था एम एनवा पद वो करना था वन। ठीक है, तो आपका दोनों क्या हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 इसमें क्या बोला है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए और अंतिम पद एल हो तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से आरवें पद और अंत से आरवें पद का योग ए प्लस आर होगा। आपको हमने शुरू में ही बताया था दोस्तों, एक फार्मूला बताया था आरंभ से आरवां पद का और अंत से आर एलवां पद का। ठीक है, यही बोला है ना, अंत से आरवां पद का, हाँ आरंभ से आरवां पद और अंत से आरवें पद का हमने एक फार्मूला बताया था, चलिए उसको हम इसमें यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो करना क्या होगा आपको दोस्तों, पहले हल लिखिए, हल लिखने के बाद इसको मान लीजिए, जो जो दिया उसको लिख लीजिए। ठीक है, हल हल लिखने के बाद चलिए हम मान लेते हैं, क्या करेंगे सबसे पहले हम प्रथम पद निकालेंगे। ठीक है, तो यहां लिखिए प्रथम पद, प्रथम पद क्या होगा आपका ए। ठीक, और क्या होगा सार्व अंतर, सार्व अंतर भी बहुत जरूरी है दोस्तों, कोई मान निकालने के लिए हमें सार्व अंतर बहुत जरूरी होता है, तो सार्व अंतर आपका क्या हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्या होगा, अगला बोला है अंतिम पद एल, तो यहां लिख लीजिए अंतिम पद भी लिख लीजिए अंतिम पद, तो अंतिम पद क्या हो जाएगा आपका बराबर एल हो जाएगा, स्मॉल एल। ठीक है, अब सभी मालूम हो गए। अब फिर बोला आरंभ से आरवां पद, तो चलिए दोस्तों आरंभ से हम आरवां पद निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां लिखिए आरंभ से आरवां पद, तो आरंभ से आरवां पद निकालने के लिए अब क्या करेंगे, आपको फार्मूला हम बता दें दोस्तों, आरंभ से आरवां पद निकालने के लिए आपका फार्मूला, किस फार्मूले का यूज करना होगा, ए जो पूरा पहले यूज करते हैं वही यहां भी होगा, बट एन की जगह क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा डी। इसको आप इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, अंत से आरवां पद निकालना है, तो यहां लिखिए अंत से आरवां पद, अंत से
आरवां पद। तो जब आप अंत से निकालेंगे तो यहां प्लस था, यहां क्या हो जाएगा, ए के बगल में माइनस हो जाएगा, लेकिन ए की जगह क्या हो जाएगा, यहां पे एल हो जाएगा, क्योंकि अंत से बोला है, प्रथम होता है तो ए, लास्ट से निकालोगे तो एल लग जाएगा यहां पे, ठीक है। तो यहां लिखिए क्या, एल, और यहां हो जाएगा आपका माइनस, फिर क्या दिया है यहां पे, आर, आरवां पद निकालो तो आर ही रहेगा, माइनस वन भी वही रहेगा और बगल में डी भी वही रहेगा, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, समीकरण सेकेंड मान लेना है, ये आपका क्या हो गया, समीकरण सेकेंड। अब आरंभ से आरवां पद और अंत से आरवां पद यहां पे मिल गया। अब आपको प्रूव्ड क्या करना है, ए प्लस एल लाना है। तो चलिए हम समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। इनका बोला भी है कि योग, चलिए अब योग भी कर देते हैं इनका। तो लिखिए यहां पे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड का योग, योग का मतलब होता है जोड़। तो चलिए दोस्तों समीकरण फर्स्ट व सेकेंड का हम योग भी देख लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस आर माइनस वन इंटू डी, फिर योग करेंगे तो प्लस होगा, लिखेंगे क्या, l माइनस आर माइनस वन इंटू डी, ठीक है। बगल में हमने क्या लिख दिया, d। अब इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ r माइनस वन इंटू डी है, बगल में यहाँ माइनस लग गया कोष्टक के पहले, तो सेम टू सेम यही है दोनों चीज़ें, तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, a प्लस एल, तो यहाँ लिख दीजिए a प्लस एल। तो यही आपको प्रूव्ड करना था और ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों इति सिद्धम, या प्रूव्ड हुआ, या तो लिख दीजिए सिद्ध हुआ, जो भी आपको लिखना है लिख दीजिए, हमने लिख दिया यहाँ पे प्रूव्ड, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो समझ में आया दोस्तों कैसे करना था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, इसमें बोला है यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे एवं नौवें पद क्रमशः 4 और माइनस 8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। आपसे कौन सा पद शून्य होगा ये पूछा, यानी n का मान पूछा है। तो पहले जो जो दिया उसको आप लिख लीजिए, और पहला काम आपको ना तो इसने प्रथम पद दिया है ना ही सर्वांतर दिया है, तो आपका पहला काम होगा उसको मान लेना है, ठीक है। तो चलिए हम पहले उसको मान ही लेते हैं, प्रथम पद क्या होगा और सर्वांतर क्या होगा। तो यहां मान लीजिए दोस्तों, माना प्रथम पद, प्रथम पद क्या हो जाएगा ए, और सर्वांतर यहां मान लेते हैं सर्वांतर, सर्वांतर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। और श्रेणी का तीसरा पद जो है वो कितना है, 4, ठीक है, और नौवां कितना है, माइनस 8। तो बारी बारी से इसको लेकर हम यहां से दो समीकरण तैयार करेंगे, दो समीकरण तैयार करने के बाद हम वहां से ए और डी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। जब ए और डी का मान निकल जाएगा तो उससे हम क्या करेंगे, एनवा पद बराबर शून्य दिया है उससे हम एन निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए अब आप क्या करेंगे, दिया है श्रेणी का तीसरा पद, तो लिख लीजिए यहां पे श्रेणी का तीसरा पद। तो जो श्रेणी का तीसरा पद दिया है वो कितना दिया दोस्तों, 4 दिया, ठीक है। तो श्रेणी का तीसरा पद बराबर 4, और हम इसके जगह पे क्या सूत्र लगाएंगे, ध्यान दीजिए सूत्र हमने क्या बताया है, सूत्र आपका होगा a प्लस एन, यहां क्या होता है एन माइनस वन, एन का मान तीसरा पद बोला है तो यहां लगा देंगे हम 3 माइनस 1, और बगल में d बराबर कितना है 4, तो यहां बराबर में 4 भी ऐसे रहेगा। अब क्या करना, a ऐसे रहेगा प्लस 3 में से 1 घटे कितना आ जाएगा 2, और बगल में d बराबर 4, ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट। अब श्रेणी का कौन सा पद बोला है, नौवां पद। अब यहां पे लिखिए श्रेणी का नौवां पद, तो श्रेणी का जो नौवां पद है वो बोला है कितना, माइनस 8, तो
तो श्रेणी का नवा पद हमने क्या लिख दिया, -8। क्या निकालना, नवा पद, यहाँ तीसरा पद निकाला तो यहाँ लिखेंगे a प्लस नवा, नौ लिखेंगे यहाँ n की जगह, 9 माइनस 1 और बगल में क्या d बराबर -8। अब क्या करेंगे, a ऐसे रहेगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, बगल में d बराबर -8। अब आपको क्या करना है, इसको समीकरण सेकेंड मान लेना है, ठीक है। हमें यहाँ से क्या मिल गया, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड मिल गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो यहां लिखिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट जो आपका है a प्लस 2d बराबर 4, ठीक है, और यहां है a प्लस 8d इक्वल टू -8। अब क्या करना है, इसको घटा देना है। तो यहां पे लिखेंगे क्या, घटाने पर, लिखिए दोस्तों घटाने पर, ठीक है। तो यहां पे जब आप घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस है तो यहां भी माइनस, यहां माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना कंफर्म हुआ, चलिए ध्यान दीजिए अब आपको क्या करना है। यहां देखिए a से a क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में, तो a से a कट गया, यहां पे घट जाएगा, माइनस 8d है, यहां पे 2d है, तो 8 में से 2 घटे कितना आएगा, -6d। तो यहां लिख दीजिए -6d बराबर, ये भी प्लस में वो भी प्लस में, प्लस 8 और 4 जोड़े कितना, 8 4 12 हो जाएगा, ठीक है। यहां से हमें किसका मान निकालना है, d का मान निकालना है। तो चलिए दोस्तों हम d का मान निकाल लेते हैं। जब d बराबर निकालोगे तो ये -6 कहाँ जाएगा, बटे में, तो 12 बटे क्या हो जाएगा, -6। अब 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो d बराबर जो आएगा वो भी माइनस है, तो माइनस को भी लिख दीजिए और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो d का मान निकलेगा, -2 निकल जाएगा। जब d का मान निकल गया तो आप a का मान निकाल लीजिए, जब a निकल जाएगा तो हम आसानी से क्या करेंगे, नवा पद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी d का मान आप क्या करिए, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, d का मान क्या करेंगे आप, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट है क्या आपका, समीकरण फर्स्ट है a प्लस 2d, तो 2 इंटू डी, डी का मान कितना है, -2 इक्वल टू कितना, 4। अब आपको क्या करना है, a बराबर जब निकाल, a माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2 दूनी कितना, 4, और बराबर में कितना है, 4। 4 उस तरफ जाएगा इधर माइनस में, उधर कितना हो जाएगा, प्लस में, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहां से जो a का मान निकला, क्या निकला, 8 निकला है, ठीक है। a का मान कितना निकल गया, 8। अब इसी a और d का मान क्या करना है, रख देना है मेन फार्मूले में, यानी nवां पद निकालने के लिए। लेकिन इसमें बोला भी है कि nवां पद जो है वो क्या है, शून्य है, ठीक है, nवां पद क्या है, शून्य है। तो लिखिए यहां पे nवां पद बराबर शून्य, ठीक, nवां पद बराबर क्या दिया है, शून्य दिया है। तो nवां पद बराबर जब शून्य दे दिया है तो आपको क्या करना है, फार्मूले में रख देना है। फार्मूला क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, nवां पद कितना दिया, शून्य, तो बराबर में कितना हो जाएगा, शून्य। अब इसी में सब जो मान दिया उसको रख दीजिए। तो मान क्या दिया है, a का मान निकला है 8 प्लस एन, तो हमें ज्ञात ही करना है, तो n ऐसे रहेगा, -1 भी ऐसे रहेगा, d का मान दिया है -2 बराबर 0, ये निकला है। अब आपको क्या करना है, 8 को उस तरह पंचांतर कर देना है, ठीक है। तो जब a उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू क्या, -2 बराबर -8। अब यहां से आपको क्या करना है, n माइनस 1 निकालना है। जब आप n माइनस 1 निकालेंगे, बराबर करेंगे, उधर कितना है, -8, और ये -2 नीचे आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, तो यहां कितना 8 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। और क्या करना है, यहां पे n माइनस 1 बराबर कितना बचा, 4 बचा यहां पे, ठीक है, और -1 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, 4 और 1 5। तो जो n का मान निकला है वो कितना निकल गया आपका दोस्तों, 5 निकल गया, ठीक है, n बराबर कितना निकल गया, 5। तो अतः हम कह सकते हैं कि nवां पद शून्य है, तो कौन से पद पे शून्य होगा, पांचवें पद पे शून्य होगा, ठीक है। अतः जो पांचवा पद होगा वह क्या होगा, शून्य होगा,
तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोला है कि कौन सा पद शून्य होगा, एनवा पद शून्य, तो हमने कौन सा पद शून्य होगा यहाँ पे, पांचवा पद आपका शून्य हो जाएगा। समझ आया दोस्तों? तो दोस्तों इस आज के लिए बस इतना ही, अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट सवालों के साथ, जो कभी क्वेश्चन बचे हैं हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों का जरूर मदद करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।